हेलो गाइस, दिस इज़ प्रियांश भारद्वाज। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सब सेफ रहो, अच्छे रहो। सो टुडे दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ टू रिमूव सब्जेक्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड और हाउ टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ एनी सब्जेक्ट। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी फोटो में से सब्जेक्ट को किस तरह से कट किया जाए ताकि हम उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकें पेन टूल के द्वारा। हम इस इमेज को कट करने के लिए बस पेन टूल का यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरी ही एक फ़ोटो है। तो इसमें हम सीखेंगे कि अगर इस इमेज का हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहें, अगर हमें इसमें प्लेन वाइट बैकग्राउंड लगाना है या कुछ भी आउटडोर बैकग्राउंड लगाना है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वो करने के लिए हमें इस इमेज को कट करना पड़ेगा। मीन्स द सब्जेक्ट शुड बी आउट फ्रॉम द बैकग्राउंड। तो सबसे पहले हम कमांड या कंट्रोल जैसे सीलर को कॉपी करेंगे। इट्स ऑलवेज बेटर टू वर्क ऑन द डुप्लीकेट लेयर। नाउ वी सेलेक्ट पेन टूल बाय द लेटर पी। हम पी दबा के पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं पेन टूल सिलेक्ट हो चुका है। अब हम पार्ट ड्रॉ करना शुरू करेंगे। अच्छी तरह से जूम कर लीजिए इमेज को। एजेस का ध्यान रखिए। सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं कर्व्स। तो कर्व पे अच्छी तरह से स्ट्रेच करके आप डिग्री एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट कर द इमेज। अकॉर्डिंग टू मी, सबसे ज़्यादा अगर आप डिटेल किसी में काम कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं पेन टूल से। और सबसे ज़्यादा अगर कोई क्लीनली आपके इमेज को कट कर सकता है कोई टूल, तो वो पेन टूल होता है। पेन टूल इज़ मस्ट अगर आप फोटोशॉप में एडिटिंग सीख रहे हैं, तो पेन टूल को आपको लर्न करना ही पड़ेगा। Make sure all the edges and all the curves are properly taken care of. अब ये जो हाथों के बीच का जो हिस्सा है, इसे कट करने के लिए आपको एक बार आपने जब पथ यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो आपको यहाँ से मेक श्योर कि ये जो ऑप्शन है शेप के साइड में, यहाँ पे एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप सेलेक्ट हो। एक बार ये हो जाता है, देन आप अगेन अंदर से दोबारा से पाथ ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि जब आप पथ का सिलेक्शन बनाएंगे, तो जो ये पार्ट जो हम बाद में सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी पार्ट ओवरलैप हो रहा है, वो सिलेक्शन से एक्सक्लूड हो जाएगा, जैसा कि उसमें लिखा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने ऑलरेडी पाथ बना दिया है। अब इस पाथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे। अब किसी भी सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल एल दबा के लासो टूल सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, फैदर पे आइए। फैदर से क्या होगा कि कट करते टाइम इमेज में जो वेयरिंग एंड टेयरिंग होता है साइड में, वो कम से कम हो जाएगा। तो हम इसको 2 का फैदर देंगे। प्रेस ओके। इमेज पर फिर से राइट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट एंड मास्क पर क्लिक करेंगे। आप एक बार एजेस देख सकते हैं, अगर कुछ भी कमी रह गई है तो आप उसको यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा आप देख सकते हैं बाल थोड़े से ज़्यादा शार्प होने, तो हमें उसकी एज को थोड़ा रिफाइन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एज डिटेक्शन में आएंगे, इस रेडियस को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे आप थोड़े से बालों की एजेस को देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप रिफाइन एज ब्रश टूल को सिलेक्ट करिए, ब्रश को छोटा करिए और हल्का सा बालों की साइड में पेस्ट कर दीजिए उसको। अब राइट कॉर्नर में आइए। नाउ यू हैव टू सिलेक्ट आउटपुट टू सिलेक्शन लेयर मास्क, न्यू लेयर विद मास्क, न्यू डॉक्यूमेंट विद लेयर मास्क। तो यहाँ पे हम न्यू लेयर विद लेयर मास्क को सिलेक्ट करेंगे।
जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारा एक लेयर, उसके साथ एक लेयर मास्क आ चुका है। अब इस लेयर के नीचे आप कुछ भी बैकग्राउंड डाल सकते हैं, जैसे कि अगर मैं कुछ भी सॉलिड कलर, अगर मैं वाइट बैकग्राउंड डालना चाहूँ तो जस्ट मेक अ न्यू एडजस्टमेंट लेयर, सेलेक्ट सॉलिड कलर, और आप सपोज यू वांट टू सेलेक्ट ब्लैक, तो आप ब्लैक यहाँ सेलेक्ट करके एंड आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह आप किसी भी सब्जेक्ट को इमेज में से कट कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, आप इसके अलावा कोई भी और बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं लाइटिंग एंड ऑल। वो जो वीडियो होगा कि आप लाइट कलर ग्रेडिंग वगैरह कैसे करें एक इमेज में उस बैकग्राउंड चेंज करने के बाद, वो मैं पूरा डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा। ये जो वीडियो था वो इसलिए था ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि हम पेन टूल से किस तरह से सब्जेक्ट को कट कर सकते हैं फ्रॉम द इमेज। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं फ्यूचर में इस तरह के और वीडियो लाता रहूँ जिसमें आपको सीखते रहना है ऐसे नया। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।